So we live in a generation, and I experience it as well sometimes, and I'm sure there are so many young kids who are watching us right now. What do you do when you fail? Very, very good question, because I was recently going through this phase where I was feeling very low, and my wife figured it out, ki, what happened, you're not right. Baat baat pe gussa aa jata tha mere ko. And then she's like, what happened to you, you're not this guy. I said, like, recently I figured out ki ab mujhe aage life mein kya karna hai ya pivot karna hai, mujhe samajh mein nahi aa raha, because theek hai, I do vlogs, wo ek tarike se ek auto mode mein chala gaya hai. And I'm a kind of guy ki mujhe jab tak life mein kuch excite nahi karta, mujhe when I waste my time during a day na, I feel very bad when I go to bed at night, mujhe bada wo neend hi nahi aati mujhe yaar. Aur I am a kind of guy, mujhe raat ko ye jab sone se pehle decide kar do na ki kal ke mere task kya hai, I feel very satisfied. Right. Rather than getting up at 10 in the morning, chai hogi, nashta hogi, haan bhai kya karna hai aaj batao kya karna hai, wo mere ko bahut kharab lagta hai. So she is like, sit down, chai vai banayi usne, kehti what is one thing which you look forward these days, kya karna hai. I know for sure ki abhi hum travel nahi kar sakte, bachche ka school hai, so it is not travel, it is not vlogging, just tell me honestly what it is. So I told her ki अरे तो बचपन में सपना था, मुझे बचपन में एक्चुअली क्रिकेटर बनना था. तो मैंने डैड को बोला, डैड मुझे क्रिकेटर बनना है, मैं आई यूज टू बैट एंड लेग स्पिन डालता था मैं. सो डैड वाज लाइक, आज से 25 साल पहले कोई अगर बोलता आपको क्रिकेटर बनना है तो एक दो पढ़ाई कर चुपचाप, बिकॉज कंट्री ऑफ 1 बिलियन चांसेज ऑफ बिकमिंग 1 in 11 इज वेरी रेयर. तो ही सेड नहीं नहीं बेटा पढ़ाई कर ले, शौक के लिए खेले, सैटरडे संडे चले जा. तो मैंने कहा वो एक सपना ना मेरा रह गया था, तो मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक आ रहा. सो पीपल हु फॉलो मी नाउ, आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट अगेन. ओह वाओ. तो कहती है तू क्रिकेट खेल फिर, शी इज़ वेरी सपोर्टिंग इन दैट वेज. सो मैंने फ़ोन घुमाया, मेरे घर के पास 3-4 अकेडमीज थी. सो आई कॉल देम, दे से यार एवरीबडी इज 16 to 20 एंड वी डोंट टेक एनी वन हु इज़ अबव 20, सो हाउ ओल्ड आर यू. मैं बताने में शर्म आए, आई एम 36. कहते वी कांट टेक यू, ये बच्चों की अकेडमी और आप सर 36 के साल में खेल के आप क्या उखाड़ लोगे, आप गली में खेलो, सोसाइटी में खेलो क्या. बट बहुत मुश्किल से मैंने उनको कन्विंस किया कि मुझे अकेडमी जाना है, मुझे क्रिकेट सीखना है आपसे. ठीक है उतनी फिटनेस नहीं है बच्चों के साथ, बट तो मैंने वो अकेडमी ज्वाइन की अभी. तो कहते पर्पज़ क्या है आपका, आप यू फॉरगेट, आप कहीं दिल्ली वेली तक तो खेल नहीं पाओगे. मैंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अभी सिलेक्शन ट्रायल्स आ रहे हैं, मेरे को उसके लिए खेलना है सर, तो कैन आई ज्वाइन योर अकेडमी. तो वो चीज़ें मुझे इतनी खुशी थी ना, मुझे नहीं पता क्रिकेट मुझे कहाँ लेके जाएगा. ये बात है तकरीबन 4 हफ्ते पहले की, या मैं उससे कहाँ पहुँच जाऊँगा या कुछ नया सीख, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. उससे मुझे कुछ सक्सेस मिलेगी, उससे कुछ नाम मिलेगा, उससे मैं कुछ कमा पाऊँगा, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे बस फ़र्क ये पड़ता है कि मुझे वो करने का मन दिल से है.